मैं आपकी आंखों में सपने देख रहा हूं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से अपनी जिंदगी खपा रहा हूं। नौजवान दोस्तों, ये युवा विकास यात्रा लेकर के हम इसलिए चले कि आपके मन में मैं एक सवाल पैदा करना चाहता हूं। अगर जिस प्रकार से दिल्ली चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भाषा है, क्या आपका कोई भविष्य उज्जवल है? क्या आपके लिए रोजी रोटी संभव है? क्या आपके लिए शिक्षा संभव है? क्या आपके लिए आरोग्य संभव है? क्या मेरे देश के नौजवानों को डूबता हम देख सकते हैं? भाइयों बहनों, नहीं देख सकते। और इसलिए सपनों को लेकर के जागने की जरूरत है। सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन दिनों टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आ रही है, दिन में 90 बार आती है, 90 बार दिशा बदलो, दशा बदले। ये दशा बदल के क्या होगा भाई? वो कौन सी दिशा थी पहले? वही दिशा जो आज दिल्ली का हुआ है? क्या हम चाहते हैं जो दुर्दशा देश की हुई वो गुजरात की होनी चाहिए? क्या उस दिशा में जाना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार से गुजरात को लिप्त करने देना चाहिए? क्या भाई भतीजेवाद से गुजरात को लिप्त करने देना चाहिए? क्या सगावाद को गुजरात में घुसने देना चाहिए? क्या दंगे फिसाद को गुजरात में फिर से आने देना चाहिए? आए दिन चाकू चलते थे वो चलने देना चाहिए? क्या वो कर्फ्यू के दिन फिर से आने देना चाहिए? भाइयों बहनों, गुजरात को दोबारा नहीं देखना। गुजरात को शांति चाहिए, गुजरात को सुखचैन की जिंदगी चाहिए, गुजरात को प्रगति करनी है। देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से गुजरात की भी सेवा कर रहा है और गुजरात के माध्यम से देश की भी सेवा कर रहा है। मैंने आज एक अखबार में पढ़ा, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जहां जहां जाए डट करके उनका विरोध करो। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, ये लोकतंत्र है, चुनाव का समय है, क्या हम इतना धैर्य खो बैठे हैं कि किसी के आवाज भी सुनने नहीं देंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे? क्या ये लोकतंत्र का आपका अर्थ है? क्या ये आपकी दिशा है? क्या आप ये चाहते हैं कि गुजरात में सोनिया जी आए और उनके भी विरोध हो? क्या आप ये चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी गुजरात में आए उनका भी विरोध हो? ये लोकतंत्र नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, आप अपने कार्यक्रम के लिए जी जान से कीजिए, उसमें मेरी सरकार की जो मदद चाहिए मांगिए, मदद मैं दूंगा। आप अपनी बात गुजरात की जनता के सामने रखो, भाजपा वालों को उनकी बात रखने दो, निर्णय जनता को करने दो। ये विरोध करने की भाषा चुनाव के दिनों में अच्छी नहीं। भाइयों बहनों, गुजरात का इतिहास रहा है शांतिपूर्ण चुनाव का। गुजरात में चुनाव में खून नहीं बहता है। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी गर्मी इतनी पैदा न करो कि जिसके कारण गुजरात के चुनावों को कोई दाग लग जाए। और इसलिए एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते अब मैं नहीं मानता हूं गुजरात कांग्रेस के मित्र कुछ समझ पाएंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसलिए शायद दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग समझ पाए और उनके नीचे यहां जो बैठे हैं उनको समझाएं कि तरीका नहीं। भाइयों बहनों, देश की हालत क्या है? मैं हैरान हूं, आज जो अभी अरुण जी बता रहे थे, एक तरफ हम युवकों को विवेकानंद जी की प्रेरणा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के युवकों के संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री के दिमाग में कितना गंदे विचार भरे पड़े हैं वो आज के अखबार में आप पढ़ सकते हैं।